हाँ जी, कितना ही सारे ठीक ठाक हो। तो आज मैं आपको आ रहा है ना, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमारे यहाँ पे आना है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मांगते हैं वीडियो कि आपके यहाँ पे कैसे आना है। तो मैं हूँ अभी इस टाइम आश्रम पे खड़ा है ना। तो जैसे भी आपने कोई भी मेट्रो में आना होगा, राजीव चौक से चेंज करनी पड़ेगी, या फिर INA से, या रजौरी गार्डन से, जहाँ से भी वो, तो आप देख सकते हैं कि हाँ भाई, मेट्रो के मैप पर, ठीक है जी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जाना है हमारे वहाँ तक, है ना। तो सीधा यहाँ से, अगर जैसे किसी ने आश्रम से आना है, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से पकड़नी है आपने मेट्रो, और रजौरी गार्डन तक सीधा बैठे रहना है। रजौरी गार्डन से फिर उतर के थोड़ा आपको चलना पड़ेगा 5-6 मिनट, तो वहाँ से फिर ब्लू लाइन लेनी है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ब्लू लाइन लेके फिर तिलक नगर उतर के कैसे जाना है, सारा कुछ मैं बता दूंगा आपको, ठीक है जी। ये मैं एक्चुअली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी, है ना। बहुत सारे लोग आते भी हैं हमारे पास कि आप बता दो प्लीज़ कि कैसे आना है वहाँ पे, है ना, और मेट्रो से कैसे आना है या अपनी गाड़ी से कैसे आना है। तो मैंने कहा चलो फिर आपको बता ही देते हैं, इजी हो जाएगा सबको, और सारी निशानियाँ भी बता दूंगा। हाँ भाई, कहाँ पर उतरना है, कहाँ से आना है, कहाँ से रिक्शा लेना है, ठीक है जी। और ऐसे ही सेम मैं एक वीडियो, जैसे जो कार से आता है या बाइक से आता है अपनी कन्वेंस से, तो उनके लिए भी मैं बना दूंगा एक वीडियो, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट मैं आपको मेट्रो से बना रहा हूँ। जैसे कोई नई दिल्ली से भी आता है तो भी मैं आप मतलब मैप से देख लेना, फिर नई दिल्ली से आई थिंक यहाँ तो उतरना पड़ेगा, राजीव चौक से चेंज करनी पड़ेगी, ब्लू लाइन लेनी है, क्योंकि तिलक नगर ब्लू लाइन आती है, ठीक है जी। और यहाँ फिर एक और स्टेशन आई थिंक कश्मीरी गेट या कोई और, वहाँ से चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब वो आप चेक कर लेना मैप से, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं मेट्रो में बहुत कम जाता हूँ, मैं सिर्फ एयरपोर्ट जाता हूँ मेट्रो में बस और आप कितने नहीं जाइदा। तो बाकी आप देख लेना, अब यहाँ से चेंज करूँगा मैं रजौरी गार्डन से, उसके बाद फिर तिलक नगर उतर के, तो उधरों लेना रिक्शा, ठीक है जी। बैटरी रिक्शा 10 रुपये सवारी लेता हूँ, 10 रुपीज़ पर पर्सन, सीधा सुनील डेरी कह के आपने उतर जाना है, सुनील डेरी, ठीक है जी, संतगढ़ की सुनील डेरी। तो वहाँ से भी मैं आपको बता दूँगा, कोई जैसे कि लैंडमार्क बता दूँगा कहाँ पर है हमारा, तो आप वहाँ पे आ सकते हो, ठीक है जी। ओके, जो मेट्रो आ गया जी, पिंक लाइन, हम बहने असं रजौरी गार्डन उतर के जी, ब्लू लाइन से चलो हूँ, जिते जिते ब्लू ब्लू पैर ने चलते रहे होना, द्वारका सेक्टर 21 वाली लेनी है अपने मेट्रो। फिर तो यहाँ से आपको चलना पड़ेगा, देख लो कितना, 4-5 मिनट तोड़ना पड़ा है ना, उसके बाद फिर ब्लू लाइन सेक्टर 21 वाली लेनी है। है जी ब्लू लाइन ऊपर चढ़ के सेक्टर 21 वाली लेनी है, तो फिर उतरना है तिलक नगर। तिलक नगर तो अगे तुम दस दिना, हाँ देखो जी द्वारका सेक्टर 21 वाली लेनी है, हाँ देखो जी तिलक नगर उतर गया मेट्रो। आपने एक नंबर गेट से बाहर जाना है, ठीक है जी। तो ये स्पेशल मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ तिलक नगर। एक नंबर गेट से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो राइट साइड मुड़ जाना, ठीक है जी। ये एक नंबर गेट से बाहर निकलते ही आपके सामने ही होगा गांधी साइकिल, एक ठेका और एक पंजाब एंड सिंध बैंक। तो यहाँ पे जो रिक्शे खड़े होंगे उनको बोल देना सुनील डेरी जाना है यहाँ पे, ठीक है जी। भाई सुनील डेरी, ठीक है जी। ये रिक्शे वाला आपको ले जाएगा सीधा संतगढ़ की सुनील डेरी पे उतार देगा, और वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ फिर, ठीक है जी। कि सुनील डेरी उतर के आपने कहाँ जाना, तो ये है जी सुनील डेरी, है ना, सुनील डेरी अग्रवाल। बस इसके आपको बिल्कुल बैक साइड जाना है, चाहे आप यहाँ से चले जाओ और चाहे आप उधर से चले जाओ पीछे से, है ना। बढ़िया है कि यहाँ से चले जाना, यहाँ से पास में पड़ेगा,
ये जूस की दुकान है, ठीक है जी। ये सैमसंग, वीवो और एक पेरिस चश्मे वाली दुकान है, किराने की दुकान है एक, और एक नई मोबाइल की शॉप खुल रही है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये देखो, ये एक घर पे ताला लगा होगा, ये मेरे चाचे का घर है। और ये वाला, ठीक है जी, ये आप पहुंच गए सीधा इकोनिक सॉल्यूशन इंद्रजीत ग्रेवाल के उधर। तो ये आप पहुंच गए सीधा इंद्रजीत ग्रेवाल के उधर, ठीक है जी। ये सारा पैकिंग का सामान पड़ा है और ये सारी चीज़ें, पहुंच गया आप एकदम परफेक्ट जगह पे। ओके जी।